हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं रॉबर्ट फिल्म की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी और कलेक्शन एस्टिमेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, रॉबर्ट फिल्म का क्या हाल है या किस तरह से फिल्म चल रही है ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला दिन इसका सबसे बढ़िया था जहां पर इसने 75% तक की ऑक्यूपेंसी बटोरी थी पूरे दिन की। सेकेंड डे काफी ड्रॉप हुआ और सेकेंड डे इसकी ऑक्यूपेंसी लगभग 50 से 55% के बीच में नजर आई। थर्ड डे ऑक्यूपेंसी इसकी 35 से 40% के आसपास नजर आई, लेकिन आज जो है ऑक्यूपेंसी इसमें हाई और लो दोनों ही पॉइंट है, यानी कि मॉर्निंग शोज इवनिंग शोज तक ये फिल्म बहुत बढ़िया चलती रही। नाइट शोज थोड़े कम है क्योंकि संडे को हमेशा से नाइट शोज में कमी देखी जाती है, तो यहाँ पे नाइट शोज कम है ऑडियंस ऑक्यूपेंसी वहां पर। लेकिन कुल मिलाकर कल से लेकर आज तक में कुछ नहीं तो 10 से 15% तक की ऑक्यूपेंसी का जंप जरूर देखने को मिल रहा है। और यहां पर फिलहाल फिल्म आपको बता दो, फिल्म ऑलरेडी फर्स्ट डे लोगों ने देखी है, सेकेंड डे लोगों ने देखी है, थर्ड डे भी लोगों ने देखी है, उसके बाद ये चौथा दिन है संडे। तो इसको देखते हुए कलेक्शंस पे इफेक्ट, जो नॉर्मल फ्राइडे को फिल्म आती है संडे को जो इफेक्ट मिलता है वो एक अलग होता है, और जो चौथे दिन का इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। यानी कि मेरा यहां पर से जो सिचुएशन नजर आ रही है उस हिसाब से लॉजिक ये कह रहा है ये फिल्म 15 से 16 करोड़ तक के रेंज में नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 15 से 16 करोड़ के रेंज में फिलहाल नजर आ रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑलरेडी से कलेक्शंस 44 करोड़ पार कर चुके हैं, 44.12 करोड़। तो यहां पर हर हाल में मुझे लग रहा है कि ये फिल्म मैजिकल फिगर जरूर छूलेगी, यानी कि 60 करोड़ आफ्टर 4 डेज, यानी कि ये फिल्म 15 से 16 करोड़, यानी 15 to 16 करोड़ इस फिल्म विल इजिली एबल टू अर्न विदाउट ए डाउट। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, यानी कि रॉबर्ट, और जरूर बताइए कि आपने फिल्म देखी है और देखी तो आपको कैसी लगी। चलिए फिल्म इतना ही, बाय।